राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? तो भाई मेरी ना फिलहाल मतलब तबीयत सी डाउन है, कहीं बाहर घूम के आया था, कल इसी वजह से वीडियो भी नहीं दे पाया आपको। और जो मेरा कहना ये था कि आप सभी को पता होगा कि मेडिकल का न्यू अपडेट आ गया, और ये मेडिकल पावर टूल का नया वर्जन आ चुका, वर्जन 2.0। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, जो बहुत से भाइयों ने अभी नया परचेज किया होगा उनको बहुत सारी समस्या हो सकती है कि किस तरीका से यूज करना, किस तरीका से नहीं करना। मतलब इंस्टॉल करने, मतलब आप पुराना वर्जन तो चला रहे हो, जो नया वर्जन डाउनलोड करके चलाओगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ ये वीडियो इसी पर्पज से बनाई जा रही है, ठीक है? आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। बाकी अभी कुछ इसमें नए अपडेट दिए गए हैं कि और कुछ नई चीज फिक्स की गई है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी आपको, वो सारी सर्विस है यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और मैं सीधा सा उस टॉपिक पे लेके चलता हूँ जो हमारा काम था उस पे। बाकी मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ इसमें क्या इन्होंने कुछ सुधार किया। अभी MI की जो सर्विस थी वो 24 घंटे के लिए कर दी गई है। अभी ये कुछ मॉडल हैं जो इन्होंने अभी सपोर्ट किए हैं, सैमसंग के फ़ोन किए हैं और लिनेवो के किए हैं, हुवाई के किए हैं, आसूस के किए हैं, कूलपैड के किए हैं, ठीक है? तो ये मॉडल हैं, और ये कुछ अपडेट हैं जो क्रेडिट बेसिस पे होते थे, और जो एक अभी जो हमारा एंड्रॉयड वर्जन MI का 11 और 12 था, वो MI असिस्टेंट पे जाके उसे आप रीसेट FRP कर सकते हो, MI अकाउंट कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो उसे, NBM बैकअप ले सकते हो, और फॉर्मेट डाटा, मतलब बहुत सारी जो ये चीज इन्होंने अपडेट की है इन चीजों का, ठीक है? और इसमें ADL टू फास्ट वाला ये भी मैटर है, ठीक है? तो ये कुछ जो हम परचेजेस वाला करते थे ये वो है, और MI का जो कुछ स्पेशल है, कुछ नया किया, वो भी एक बार चेक करेंगे हम। और अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ से ये इंडिया के जो बंदे हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो आप, ठीक है? और अगर आपकी हार्डवेयर ID चेंज होने में कोई दिक्कत या कोई इश्यू आ रहा तो क्लिक हियर, इधर जहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? सीधी सी बात ये है। तो अभी ये देखो मेडिकल का पावर टूल है ये, अभी हमने ओपन किया बिल्कुल। ठीक है, ये है मेडिकल का पावर टूल नया वर्जन 2.0, इस तरीके से अब ओपन होगा। ओके, किसी से भी आपने, किसी भी डीलर से आपने वो लिया होगा, कुछ भी मतलब परचेज किया होगा किसी से, उसने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा या हार्डवेयर ID आपकी बताई होगी। ये हमारी हार्डवेयर ID है, ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारा यूजर नेम है। तो हमें ये कॉपी करना, यूजर नेम पेस्ट कर दिया, और ये हमारा पासवर्ड था, कॉपी किया, पेस्ट कर देना सिंपल सा इस तरीका से, ठीक है? ओपन करके देखते हैं, लॉगिन, हार्डवेयर ID नॉट मैच, ठीक है? सब कुछ ऐसे ही है। तो चेंज हार्डवेयर ID पे क्लिक करना आपको, यस, हो गया जी। इस तरीका से आपकी हार्डवेयर ID चेंज हो जाएगी, ठीक है? पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो ये अप्लाई पे किया, और यहां पे आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है? ये मेरा नया पासवर्ड बन गया, ठीक है? ओके, जो हमारा नया पासवर्ड है वो डाल लेते हैं हम। इस तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा। ये प्रॉपर वीडियो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है? अभी देखो एक एरर ये भी आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, ठीक है? ओके किया, ओके किया, ठीक है? ये हो गया।
तो सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको एक तो यहाँ की ये जो थीम है ना ब्लैक, थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे कुछ और कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया मैंने, ये मेरे को अच्छा लग रहा, चमकने वाला। ठीक है, तो जो एरर आ रहे थे अभी, हमें सीधा सा क्या करना है, इस पे क्लिक करना, और आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप उठा लेगा, आपको ओके कर देना, और जो सेकंड वाला वो भी ओपन करना, ओके कर देना, और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना आपको। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहां से इसे क्लोज करता हूँ, यस किया, और अपना पावर टूल ओपन करता हूँ, ये पावर टूल ओपन किया दोबारा से, दोबारा से आपको पूछ रहा है। ठीक है, जब भी आप करते हो तो एक बार सेव जरूर कर देना इस चीज को लेके। जैसे मेरा यूजर नेम है, ये कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया मैंने, जो मेरा पासवर्ड था वो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इसमें यहाँ पे। ओके, सेव, ये हो गया। आवाज हो सकती है आपको थोड़ी खराब आए, मैं बिल्कुल भी कोई माइक यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल जो पीसी का माइक होता है उसे कर रहा हूँ। देखो अब कोई एरर भी नहीं आया ना हमारा, नहीं आया ना, आसानी से